हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे आईटी गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस। तो कि ट्वेल्थ के बेस पर या फिर आपके अगर जेई के अंदर कम रैंक आई है तो उसके बेस पर भी जस्ट आपका डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है आईटी गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर। और जस्ट इट्स वेरी गुड कॉलेज इन इंडिया। तो आप इसकी अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जो पोर्टल है वो इंडिया के ecounseling.nic.in पर भी अवेलेबल है, काउंसलिंग पोर्टल, जहाँ पे जो साज ये जस्ट लाइक CSAB ये जस्ट जो भी होते हैं वहाँ, तो आपको जस्ट लाइक डायरेक्ट जा सकते हो या तो आईटी गुजरात के पोर्टल पे या फिर आप ecounseling.nic.in पर आके जा सकते हो। तो जस्ट लाइक हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट जो है आईटी गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएगा PTU पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी admission.nic.in। तो आईटी गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो इसकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और जस्ट इसके अंदर जो है डायरेक्ट एडमिशन भी मिल रहा है 12th के मार्क्स के बेसिस पे, या फिर आप डायरेक्ट अगर आपके जेई के अंदर बहुत ही कम रैंक है तभी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारे कैंपसेस है और इसके अंदर दो, इसके जस्ट दो जो है भाई बहन, जस्ट लाइक MR SPTU और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। MR SPTU के अंदर एरोस्पेस भी है और एरोनॉटिकल भी है PHAC पटियाला कैंपस। तो जैसे कि यहाँ पे नोटिस ब्लैंक होता रहता है प्री डायरेक्ट एडमिशन, अभी तक तो नहीं आया। तो इसका कैंपस बहुत ही बढ़िया है और आई थिंक पंजाब के अंदर इससे अच्छी जो है यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती। और इसका मेन कैंपस भी तो करना ही क्या, आप सभी को पता होगा, लाइक वेरी 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 गुड। तो जैसे हम एडमिशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है इसके अंदर, तो इसके लिए हम जो है आईटी गुजरात ने एक लिंक दिया है campus.ptu.ac.in। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आपको ये लिंक फॉलो करना होगा कैंपस। ये जो लिंक दिया है उस पर अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे दिया गया है लॉगिन ऑप्शन बटन, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर फॉर एडमिशन करेंगे तो आपसे ये डिग्री के अंदर पूछेगा कि आपको किस ब्रांच के लिए एडमिशन लेना है। तो मुझे लेना है BTech के अंदर, तो BTech जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जस्ट काउंसलिंग के अंदर प्री रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन 2021 इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, फिर ये मुझसे जो है मेरा मोबाइल नंबर पूछेगा, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और फिर जो है स्टूडेंट का नाम जो पूछ रहा है, मैं स्टूडेंट का नाम डाल देता हूँ भी और रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो मेरा मैंने मोबाइल नंबर डाला है इस पर एक जो है पासवर्ड भेजा गया इसकी तरफ से, तो चेक कर लेते मोबाइल में पासवर्ड। तो मेरे मोबाइल में जस्ट पासवर्ड आ चुका है जो है 5 अंकों का पासवर्ड है और डिजिट आते हैं, ठीक है। तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, थोड़ा स्टॉप करके डाल। तो मैंने अपना 5 अंकों का पासवर्ड डाल दिया है, मैं लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जस्ट ये शो कर रहा है डेटा पेमेंट्स फीस कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैं डेटा पर क्लिक करूँगा तो ये जस्ट सारी डिटेल पूछेगा आप कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँगा
और मैं अपने फादर्स का नाम फिल करूंगा, मदर्स का नाम फिल करूंगा, पेरेंट्स मोबाइल नंबर डालूंगा यहाँ पे एंड ईमेल आईडी और एड्रेस डालने के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट डालना अपना, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद डालना स्टेट, मैं डाल देता हूँ स्टेट, ओके एंड अपडेट डिटेल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो योर डिटेल सबमिट सक्सेसफुली। फिर मैं डेटा के अंदर जाऊँगा, डेटा के अंदर अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ डालूँगा, तो जैसे मैंने ये सारी डिटेल फिल कर दी तो सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिजर्वेशन कैटेगरी, आधार कार्ड नंबर एंड 12th परसेंटेज, 12th वोट, ठीक है। और आपको जैसे अपडेट पे क्लिक करना है, जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया ये सबमिट हो गया। अब जो है मेरे को जस्ट अपलोड करना है फोटोज वगैरह, तो ये जस्ट मुझे मेरा फोटो अपलोड करना है, ओके। तो मैंने अपना जो है फोटो और ये जो दोनों अपलोड कर दिए हैं, मैं अपलोड पर क्लिक करूंगा। तो ये अपलोड हो चुके हैं। अब मुझे जो है अपनी चॉइस फिल करनी है, तो मैं जस्ट मेन कैंपस के अंदर लूंगा एंड डिपार्टमेंट जो है मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस, ओके, मेन कैंपस कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे दो अवेलेबल है, TFW एक ही है, तो मैंने ऐड कर दी चॉइस एंड फिर मैं सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कंप्यूटर साइंस की है मुझे ये जैसे मोहाली के अंदर ले लेते हैं, मोहाली में भी कंप्यूटर साइंस, होशियारपुर कैंपस, ओके। तो मैंने जल्द सबमिट पे कर दिया है, मैं प्रिंट पर जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे ये जो है प्रिंट कर लेना है। तो गाइस मेरा जो फॉर्म है वो प्रिंट हो चुका है, अब आपको यहाँ पर जाना है फीस के बटन पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी फीस शो कर रही है MRSPTU IKE गुजरल, इनकी सबकी फीस ऑलमोस्ट सेम ही है और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट पे जाके काउंसलिंग फीस फिल करनी होगी। तो ये जो है 2000 रुपये, तो यहाँ से फिल नहीं हो पा रहा है, और एडमिशन फीस जो है ये काउंसलिंग फीस फील नहीं हो पा रही है, इसका मैं इशू यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग फीस जो है वो साथ ही फॉर्म भरने के साथ ही दी जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जस्ट एडमिशन स्टार्ट होने के बाद लेते हो। तो आपको ये फॉर्म को जो है सारे सही से सबमिट करने हैं, ठीक है, जस्ट लाइक फोटोज,